सरकार और स्वयंभू किसान नेता राकेश टिकैत के बीच ये कहते हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। टिकैत नए नए बहाने बनाते हैं, आंदोलन जारी रखने की जुगत भिड़ा रहे हैं, तो सरकार एक एक करके उनकी सारी मांगे मानकर हर हाल में दिल्ली की सीमाओं को आजाद करना चाहती है। सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर है कि केंद्र सरकार किसान नेताओं की दो और बड़ी मांगों को मानने को राजी हो गई है, और खबर यह भी आ रही है कि कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दूं कि मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से टिकैत के चेहरे की हवाइयां गायब हो गई, क्योंकि इसके बाद आंदोलन जारी रखने का और कोई भी बहाना उनके पास बचता ही नहीं है। सरकार हर मांग मानने को तैयार, आंदोलन जीवी टिकैत हो गए लाचार। खत्म हुआ अय्याश जीवियों का खेला, कल उजड़ जाएगा आंदोलन का मेला। एक साल से भी ज्यादा वक्त से जारी किसान आंदोलन आखिरकार अपने आखिरी अंजाम के करीब पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार एमएसपी पर बातचीत करने के लिए कमेटी बनाने को राजी हो गई है, और साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की वापसी का निर्देश भी राज्य सरकारों को दे दिया गया है। सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी पर बातचीत के लिए 5 नेताओं का नाम देने को कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दे दिया है। हरियाणा के किसान नेताओं ने इस संदर्भ में सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ बातचीत का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि राकेश टिकैत इतने के बाद भी दाएं बाएं कर रहे हैं। 32 जत्थेबंदियों ने यह ऐलान किया है कि सरकार ने हमारी सभी बातें मान ली हैं, उस पर क्या कहना है आपका? कहां मानिए विवाद, वो 5 जत्थेबंदी ने कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार ने जो भी मुकदमे थे उन मुकदमों को लेकर जो राज्य सरकारें थी उनके पास प्रस्ताव भी भेज दिया है। अरे कह कौन रहा है बात। इनके अलावा किसानों की जो तीसरी बड़ी मांग थी वो थी आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा देना। किसानों की इस मांग को मानने में सरकार को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद इस बात की संभावना मजबूत हो गई है कि कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मुंबई से लौटने के बाद राकेश टिकैत इन्हीं तीनों मांगों पर फोकस कर रहे हैं। सरकार से हमारा है कि एमएसपी और जो मुकदमे दर्ज हैं ये जब सरकार मिलेगी तो बता देंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की कल होने वाली बैठक में अगर आंदोलन वापस लेने पर फैसला हुआ तो टिकैत की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल किसानों के कल्याण के नाम पर टिकैत ने केंद्र सरकार और बीजेपी को कमजोर करने की सुपारी ले रखी है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव से पहले टिकैत किसी भी हाल में आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार ने अब टिकैत को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि उनके पास कोई बहाना बचता नहीं है, और अगर इसके बाद भी टिकैत बहानेबाजी करेंगे तो उन्हें वही आंदोलनजीवी और धरनेबाज दौड़ाना शुरू कर देंगे जिनके दम पर उन्होंने अपने आंदोलन की दुकान सजा रखी है। दरअसल राकेश टिकैत 2 दिन पहले तक ऐसी ऐसी मांगे बता रहे थे जिनके न सिर थे न पैर। जिस अंदाज में 2 दिन पहले तक वो बात कर रहे थे उसे साफ लगता था कि वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। 3 मामलों का समाधान हो गया, 1 अभी इसमें रह गया, और उसी के साथ में 1 साल के दौरान आंदोलन में जो नफा नुकसान हुआ वो इशू है। इस पे सरकार बैठ के बातचीत करे, सरकार धोखे में रख के, सरकार जालसाजी के साथ में गलत बयानबाजी करके उसे मामले को निपटाना चाहती है। लेकिन एमएसपी और मुकदमे वापस लेने की मांग पूरी होने के बाद टिकैत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अनशंट मांगों के आधार पर अपना आंदोलन जारी रखने का दम भर सकें। टिकैत को अब अंदाजा हो गया है कि दिल्ली बॉर्डर को खाली कर देने और चुपचाप घर वापस लौट जाने में ही भलाई है, क्योंकि इतने के बाद भी टिकैत अगर टिके रहे तो जनता हिसाब लेना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान